देहरादून से, जहां बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने नोएडा जोन के तहत जनपद देहरादून में अपनी 52वीं शाखा खोली है और इस शाखा के सूबे के वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल और विधायक विनोद चमोली ने रिबन काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र देश के अग्रणी बैंकों में शुमार है। यह बैंक अपने सामाजिक दायित्वों का भली भांति निर्वहन कर रहा है। बैंक ग्राहकों को सुविधा प्रदान करने के लिए निरंतर प्रगतिशील है और अधिक से अधिक बैंकों की शाखाओं का विस्तार कर रहा है, जिससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में ग्राहकों को और बेहतर बैंकिंग सेवा मिलेगी। सरकार DBT के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में धनराशि जमा कर रही है, जिससे बिचौलिये खत्म होते जा रहे हैं। कार्यक्रम में बैंक के आला अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, उत्तराखंड में जिस प्रकार से हमारे यहाँ अनेकों बैंक अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उसमें आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी अपनी एक शाखा देहरादून में और खोलने का निर्णय लिया। मैं उनको बहुत बधाई दे रहा हूँ। और ये मानते हैं कि हम लोग जहाँ बैंकिंग सेवाएं ज़्यादा होती हैं, का मतलब वहाँ बिजनेस अपने आप में काफ़ी बड़ी संख्या में हो रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ये तीसरी ब्रांच देहरादून के अंदर है और जैसे मेरी जानकारी में आया है कि पूरे उत्तराखंड में 9वीं ब्रांच है, तो मेरी ओर से शुभकामनाएँ हैं, क्योंकि मैं इसकी ओपनिंग में यहाँ पर आया हूँ। और धर्मपुर जिस क्षेत्र में मैं हूँ, ये अपने आप में बैंक्स का हब है, क्योंकि यहाँ पर एक मार्केट है बैंक्स के लिए। तो मार्केट वहीं होता है जहाँ पोटेंशियल होता है। इट शोज दैट देर इज लॉट ऑफ पोटेंशियल इन दिस एरिया फॉर बैंकिंग सर्विसेज। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑफ नोएडा जोन, आज हम बैंक के 52nd शाखा उत्तराखंड में और देहरादून में मान्यवर मंत्री वित्त मंत्री उत्तराखंड के द्वारा विमोचित किया गया है। ये शाखा जो है हरिद्वार बाईपास रोड में स्थित है और उत्तराखंड का ये नवी शाखा है।